अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नानी स्वर। आज हम लोग का दिल हो रहा है कुछ मीठा खाने का, तो सोचा आज हलवा फाँक वाला बनाएंगे। क्या कतली बोलते इसको पाएगा? तो ये हमने 1.25 किलो रवा भुना है और थोड़ा बादाम पिस्ता काजू काट लिया बारीक बारीक, और फिर नीचे का जो थोड़ा बारीक था इसमें हमने मिला दिया। देखिए थोड़ा अंदर भी रहता है ना हलवे के, तो बहुत टेस्ट आता है, जब मुँह में ड्राई फ्रूट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, ये हमने 2 इलायची 6 चम्मच घी लेके 2 इलायची डाला, उसके बाद इसमें 1.25 किलो शक्कर, इसके 2 तार की चाशनी जब हो जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे। देखिए रवा अभी कितना हुआ, देखो अब ये हुआ थोड़ा, 2 तार की चाशनी होगी तो इसमें हम डाल देंगे रवा। इसमें थोड़ा सा लगा लेंगे घी ताकि जब इसमें हलवा डालें तो ये चिपके ना, थोड़ा सा घी लगा के फैला देंगे ट्रे में। और ये अभी इसमें 2 तार छूट गए, अब इसमें हम डाल देंगे रवा। इसमें डाल दिया रवा हमने, चाशनी हमारी हो गई है। अब थोड़ा इसको हम ऐसे जो है भूनेंगे पानी इसको जलने तक, थोड़ा चाशनी जितनी एकदम ड्राई हो जाए, फिर इसको हम थाली में डाल देंगे। ये बहुत अच्छी आ रही इलायची, इसमें हमने बाहर के दिन डाला। थालियों में इसके 2 रखेंगे, 2 थालियों में घी लगाया हमने, और ये हो जाएगा ठंडा होने पर इसकी कतली काट हाँक काट लेंगे इसकी। अब इसकी देखिए चाशनी ड्राई हो गई एकदम, ये देखिए अब इसको हम थाली में पलट लेते हैं। देखिए ज़्यादा करेंगे तो एकदम फाँकी, जब काटेंगे तो बहुत कड़क हो जाएगी, तो हमको कड़क नहीं रखना है, थोड़ा ऐसा है कि आदमी बूढ़ा आदमी भी आराम से खा सके। इसमें हमने हलवा डाल दिया है और इससे इसके उससे घी लगा के इसको लेबल में किया है, और इसकी हम फाँक कर लेते हैं, फिर ठंडा होने पे सब निकाल लेंगे। रवे का हलवा हो या चने का हलवा या मैदे का हलवा, बहुत से लोग स्क्वायर में काटते हैं और बहुत से लोग आड़ी फाँकी खाते हैं काटते हैं, जिसको एक्चुअली सचमुच हलवे की फाँक कही जाती है, आड़ी टाइप से काटते हैं। तो ये हम स्क्वायर में काट रहे हैं, दूसरी ट्रे में जो है वो हम आड़ी काटेंगे। 2 प्लेट में हुआ है, दो थाली भर के हलवा जमा है। अब ये ठंडा होगा तभी इसकी फाँके निकाल, वैसे हमने थोड़ा सा नरम ही रखा है, एकदम कड़क हो जाता है तो एकदम पत्थर हो जाता है, इसको बहुत संभालना पड़ता है एक्चुअली। ये ठंडी हो जाए फिर आपको हम निकाल के दिखाएंगे फाँक, जब तक क्या ये बहुत गर्म है, हमने फाँक नाइफ से बना दी है, अब ठंडा होने पे निकाल के आपको दिखाएंगे। तो ये चलिए छोटा मोटा सा वीडियो है हमारा हलवे की रेसिपी, रवे की हलवे फाँक वाला हलवा। एक दो तरह बनते हैं, गीला बनता है जो अपने कभी कुछ न्यास फातिया है या घर में कभी पूड़ी के साथ मन हुआ तो वो गीला बनता है, ये हमने हमारी अम्मी लोग जैसे बनाती थी, ये अम्मी हमारी शिवरात के महीने में बनाती थी ज़्यादातर, चने का रवे का चावल का मैदे का 4 तरह के हलवे हमारे यहाँ बनते थे, और सब भाई बहन जो है चारों तरफ इंतज़ार में रहते थे कब रेडी हो तो हम लोगों को खाने को मिले, और हम लोग सबसे लास्ट में मैदे का हलवा खाते थे, सबसे पहले चने का हलवा ख़त्म करते थे, फिर रवा, फिर चावल, फिर लास्ट में मैदा। तो ये हमारा हलवा बन के रेडी हुआ, ठंडा हो जाए फिर हम आपको इसकी कतली निकाल के आपको सर्व करके दिखाएँगे। फ़ैन की हवा में थोड़ा रखा है ठंडा हो जाए, टेस्ट में बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। चलिए दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह फिर ट्राई करेंगे, आदमी को हर काम के लिए कभी कोई सही नहीं होता तो ट्राई हमेशा करता रहना चाहिए, कभी ना कभी तो सक्सेस होएगा। ये हम 5वें टाइम बनाया है हलवा, कभी भी मेरे से तो कड़क हो जाता है या एकदम नरम हो जाता है, आज ठीक है थोड़ा नरम है, ज़्यादा नहीं नरम है लेकिन थोड़ा नरम है। चलिए ट्राई करिएगा इसी बनाने के लिए, और हमारे लिए दुआ करिएगा कि हमको भी अल्लाह जो है हमारे यहाँ से जो भी कुकिंग का करे वो सक्सेस हो, और दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि कैसा क्या कोई चीज़ बनी, जो भी हम कुकिंग करते हैं जो भी हमारा ब्लॉग रहता है, तो इसके ख्वाहिशमंद है हम कि आप कमेंट ज़रूर किया करिए प्लीज़, और दुआ में याद रखिए। अभी अजलान हमारे घर में थोड़ा रौनक है, चले आएँगे अगले हफ्ते अपनी नानी के यहाँ,
तो हम लोग बहुत मिस करेंगे असलान को और घर एकदम खाली हो जाएगा। चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।